तुम लोग ये अच्छे से जानते हो, फरेबी मक्कार रियाकार और खुदनुमा नहीं हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं। मुझ पर यकीन करो बगैर चूचे रखिए। बताओ क्यों? क्योंकि मैं हकीकत बता रहा हूं और कुछ नहीं। गवाह भी है मेरा बेटा अब्दुल रहमान। जब मोहम्मद के लश्करों ने मक्का के पहाड़ों को अपनी कसरत से पूरी तरह से ढांक लिया था, अबू सुफयान घबरा के पूछा, ये लोग कौन हैं? कहा, ये मोहम्मद के सिपाही हैं। मुहाजरीन अंसार मोहम्मद के सहाबी और चाहने वाले हैं। अबू सुफयान की आंखें बाहर निकल आईं और वो कहने लगा, अब हमारी खैर नहीं कि मोहम्मद की सल्तनत बहुत बड़ी हो गई है। उनमें से एक कौन था? अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अबू सुफयान क्या कहा? कहा कि ये सल्तनत नहीं है। हाँ, कहा कि ये सल्तनत नहीं बल्कि नबुवत और रिसालत है। आ गए? हाँ, वो आ गए। खुशामदीद, खुशामदीद। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। ओवेस, हमारा ओवेस, यमानियों के चश्म चरा, खुशामदी हमारे सैयद व सरदार, खुशामदी। वाह 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 वाह। ओवेस, जब रसूल खुदा की वफात की खबर आई तो ओवैस अपने ऊंटों के साथ बयाबानों में थे। सुनते ही कहा, खुदा की कसम मेरी माँ भी चल बसी। वो मर गई? ओवैस कहते थे कि मेरी माँ ने खुदा से दुआ की थी कि रसूल खुदा के बाद जिंदा ना रहें, और वो जिंदा ना रहीं। कब पहुँचेंगे और कितना वक्त लगेगा यमन पहुँचने में? बस पहुंच गए उस पहाड़ के पीछे। ओवेस का क्या हुआ? पैगंबर ने वसीयत की थी कि मेरे मुरक्के को मेरे भाई ओवैसे करनी को देना, और अली अलैहिस्सलाम ने खुद मुरक्का सुपुर्द करने के लिए यमन का इरादा किया। बाबा? हाँ मेरी जान। अली वही है ना जो इस वक्त मुसलमानों के खलीफा हैं? हाँ बेटा, अली अमीरुल मोमिनीन है। कब
पहुँचेंगे सलीम, काश कूफे में ही रह गए होते। तुम कूफियों में बर्दाश्त और तहम्मुल का मादा कितना कम है। पता है थक गई हो, ये ओवैस का ही तो घर है, नमाज यहीं अदा करेंगे, अपना घर भी तो पास ही में है। तुम्हारी जिंदगी में तो सिर्फ ओवैस ही है, मेरी भी कोई जगह है या नहीं? ये लड़के कहाँ चले गए? आ रहा हूँ। ओवैस, बाबा क्या हुआ? पैरों के घसीटने की आवाज से ही पहचान गई थी कि तुम आए हो, आ गए हो। सलमा, तुम हो? क्यों? क्यों? 10 भाइयों का शोक भी किसी को इस कदर तोड़ नहीं सकता। गए थे ताकि ओवैस के साथ वापस आओगे। नहीं मिले सलमा, कहीं नहीं। जहां भी गया वो कहीं नहीं मिले। हर्रान, दमिश्क, मदीना, अभी मैं कूफा से आ रहा हूं। उसने कहीं मस्कन नहीं बनाया, इसीलिए ढूंढ ना सका। कहते थे सुकून आशिकों के लिए हराम है, दुनिया में तलब से मुस्तरिब है और कयामत में तलब से बेकरार है। मैंने सोचा कि जरूर मोहम्मद के इश्क में मदीने में होंगे, वहां भी नहीं थे। तुम्हारा बेटा है? हाँ, ओवैस। उसका नाम ओवैस है। ओवैस, ओवैस, क्या तुम उनके आशिक ना थे? कैसे मुमकिन है कि तुम मदीना तक जाकर रसूल से मिले बगैर लौट आए? ओवैस ने कहा, उसने किसी से पूछा था, आशिक का रास्ता कौन सा है? कहा, जब तुम्हें इश्क होगा तो रास्ता भी मिल जाएगा। ओवैस, मैं भी तुम्हारी तरह अपने इश्क की आशिक हूं। कूफा को भी खंगाल डाला। हर तरफ जंग की धूम थी, बहुत से लोग वहां थे, अली शाम की तरफ बढ़ रहे थे। मैं जानती हूं, जानती हूं मैं, ओवैस अली को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शायद सिफीन गए हो। सिफीन, सिफीन।
जुलकला और होशब को बुलाओ जल्दी। है कोई खबर है? सब मुंतजिर है कि तुमसे खबर सुने। मैंने खुद गिना 999 लोग कुफा से आए थे। तो क्यों अली ने कहा 1000? मौला को इंतजार 1000 का था या 1000वें का? क्या कहना चाहते हो इब्ने नस्र? 1000 लोग अगर सब आ गए हैं सिवाय एक के, यानी वही एक 1000वां है। जब तुम लोग इस खैमे से बाहर निकलो तो इज्जत व एहतराम के साथ निकलो, ताकि ऐसा कारनामा अंजाम दो जिसका इनाम 10,000 सोने के सिक्के हैं। वरना इस खैमे से तो क्या, शाम से निकल जाओ और लौटकर हरगिज वापस मत आना। इंतखाब बड़ा सख्त इंतखाब है। एक तरफ हमेशा के लिए बेइज्जती और रुसवाई है, और दूसरी तरफ 10,000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर। अब समझ में आया कि क्यों तुम्हें मालिक ने पहरा देने के लिए भेजा है। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि एक शख्स अली के लिए इतना ज्यादा अहम क्यों है। उनकी हर बात नपी तुली होती है। अली वो देख सकते हैं, वो ऐसी बातें जानते हैं जो हमारे लिए समझना मुश्किल है। ये जंग दूसरी जंगों से मुख्तलिफ है, लंबी हो गई है। कूफियों ने अली की खिलाफत को तो माना, लेकिन उनकी विलायत को दिल से नहीं। जिसका इंतजार है वो रसूल खुदा के सहाबियों में से है। कूफी खुरमे से कमाई हुई दौलत पर बहुत अकड़ते हैं। शाम के लश्कर की तरफ से भी कोई खबर नहीं। इन तीनों में से एक तीर, या शायद तीनों के तीन, अली के सीने में पैवस्त होना चाहिए। अली को कत्ल वहां इतने जान इशारों के बीच? तुम अपने कौम व कबीले में सुजात के लिए मशहूर हो, चाहते हो बाकी जिंदगी जिल्लत और रुसवाई के साए में जियो। जब जंग के बीचों बीच इतना गहरा सन्नाटा हो तो डर लगता है।
याद रखना, हम दोनों अब यहां से हम अशस किंदी के साथियों में से हैं, और हम अशस किंदी का नाम लेकर के कुफा के लश्कर में शामिल हो सकते हैं। यहां से तो नहीं आए? कौन? कहा नहीं था एक आने वाला है? तुम मुझे दीवाना कर दोगे? यह बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कभी कभी शक होता है, या तो तुम पागल हो या दीवाने। हम तो आशिक हैं और कुछ नहीं। अली की शुजात हमें अपना काम अंजाम देने का मौका देगी। अली ऐसा हाकिम नहीं है जो खैमे से सिर्फ जंग का नजारा देखे। देख रहे हो? देख रहा हूं। आ रहे हैं, लेकिन पैदल क्यों? कौन हो? खुदा का बंदा। कौन से लश्कर में? लश्करे खुदा। लश्करे खुदा? इस मैदान में किस तरफ है? क्या नहीं सुना है, रसूले खुदा ने फरमाया, जहां भी हक है अली भी है। क्या खुदा के अलावा कोई हक है? कौन हो तुम? वैसे करनी, अपने मौला के कदम चूमने आया हूं। थके हुए हो, सवार हो जाओ, अली तुम्हारे मुंतजिर हैं। नहीं, ओवैस का अज्र यही है कि पैदल जाके अपने मौला के कदमों का बोसा ले। काम तमाम होते ही अलग अलग रास्ते से भाग जाएं, सिर्फ इन ना लौटे। यो
صد ها سخن به دل بود، صد راز در صدایم. یارا چه میتوان گفت در بند تارهایم؟ ناگفته ماند حرفم تفسیر با تو باشد، نادیده ماند خوابم تعبیر با تو باشد. از خیشتن گذشتم تا در برت بمیرم، آغوش با کنش اتر خدا بگیرم. تیر است در قفایم عشق زار تا بریزم خون جایا برویم. صد ها سخن به دل بود، صد راز در صدایم. یارا چه میتوان گفت در بند تارها؟ در قفایم عشق است رو برویم، بگذار تا بریزد خون جای آبرویم. در دست های گرمت بینام و بینشانم، من آسمان ندارم از این جهانم، من آسمان ندارم بینام و بینشانم. صد ها سخن به دل بود، صد راز در صدایم. یارا چه میتوان گفت در بند تارها؟ ناگفته ماند حرفم تفسیر با تو باشد، نادیده ماند خوابم تعبیر با تو باشد.